नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। संतान के कैरियर में सफलता के लिए करें हरी इलायची के ये उपाय। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह उपवास हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है और माताएं इस व्रत में निर्जला उपवास रखकर अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करती है। अहोई माता प्रसन्न होकर संतान के स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ उन्हें जीवन में सफलता भी दिलाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अहोई माता की पूजा करने से मां पार्वती अपने पुत्रों की तरह सभी व्रती महिलाओं के बच्चों को भी दीर्घायु प्रदान करती है। इस व्रत में मुख्य रूप से अहोई माता की पूजा के साथ तारों को अर्घ देने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपायों से माता की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अगर आप पूजा करने के अलावा हरी इलायची के कुछ आसान उपाय आजमाती है तो संतान को कैरियर में निश्चय ही सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं कि बच्चों को कैरियर में सफलता दिलाने के लिए कुछ विशेष उपाय। बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए हरी इलायची के उपाय। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी बच्चों को सफलता नहीं मिलती, ऐसे में बच्चों के साथ माता पिता भी निराश होने लगते हैं। ऐसे किसी समस्या के समाधान के लिए आप अहोई अष्टमी के दिन माता को 5 इलायची चढ़ाएं और उसे लाल कपड़े में बांधकर पूजा के कमरे में रख दें। बच्चे जब भी किसी बड़ी परीक्षा के लिए जाए उन्हें इनमें से 1 इलायची खिला दे। इस उपाय से बच्चों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। अच्छी नौकरी के लिए हरी इलायची का उपाय। अहोई अष्टमी के दिन आप कम से कम 7 हरी इलायची लें और उन्हें अहोई माता को अर्पण करें। इन सभी इलायची को घर की पूजा वाले स्थान में रख दें। इन्हें माता पार्वती की तस्वीर के पास रखें। जब कभी भी किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाए तब उन्हें आप अपने पास रख लें। इस उपाय से जल्द ही नौकरी के योग बनेंगे और कैरियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के लिए हरी इलायची के उपाय। अगर आपकी संतान का धन व्यर्थ में खर्च होता है और चाहकर भी धन लाभ नहीं मिलता है तो आप हरी इलायची से जुड़ा एक उपाय अपना सकती है। 5 हरी इलायची ले और 5 कौड़ी ले। इन चीज़ों को अहोई माता को चढ़ाएं और मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। इनमें 3 इलायची अपने पर्स में रखें और बाकी सामान लेकर 1 पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से धन लाभ के योग बनेंगे। ऐसा करने से आय में बढ़ोतरी होने लगेगी। संतान की कर्ज मुक्ति के उपाय। कई बार संतान पर ऐसा कर्ज चढ़ जाता है जिससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप संतान को कर्ज से मुक्त करने के लिए एक हरा कपड़ा ले और उसमें 7 इलायची बांधे। इस पोटली को अहोई माता की पूजा के समय पूजा स्थल पर रखें। पूजा के बाद इस पोटली को सोने वाले स्थान पर या बिस्तर के नीचे रख दें। इस उपाय से संतान को बहुत जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। अहोई अष्टमी के दिन संतान को कैरियर में सफलता दिलाने और धन लाभ के लिए आप यहाँ बताए गए उपायों को आजमा सकती हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सफलता हासिल करने के लिए केवल यही उपाय काफ़ी है। किसी भी जगह सफलता के लिए सबसे बड़ी कुंजी मेहनत करना है, इसीलिए कड़ी मेहनत के साथ ये उपाय आजमा सकते हैं, तब सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।